बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद, फिज़िकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट 9th क्लास का पहला चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मेरी इस सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर ख्वाहिश है कि जो जो न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड उसके कंसेप्ट हैं उन्हें पहले दोहराया जाए ताकि आपको वो न्यूमेरिकल्स करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रीफिक्सेस के रिलेटेड हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे और किस तरह से उन्हें करना है। सबसे पहले प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन कर लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, लेटर्स और वर्ड्स वी एड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एस किलो, मेगा, गीगा एंड मिली एट्सेट्रा आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। ऐसा यूनिट्स के पीछे कोई भी जो छोटे छोटे लेटर्स जैसे किलो है, मेगा है, गीगा है, मिली है, नैनो है, माइक्रो है, ये लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, प्रीफिक्सेस का एक टेबल आपके सामने नज़र आ रहा होगा और यही टेक्स्ट बुक में भी है। ये वो टेबल है जिसे आपको आपकी जो आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। मेरी माने तो बेशक आपने दिन का अपनी पूरी ज़िंदगी का एक पूरा दिन प्रीफिक्सेस के ये टेबल याद करने के लिए मुख्तस कर लें ताकि और अच्छे तरीके से याद करें और इतने अच्छे तरीके से याद करें कि आपके फिंगर टिप्स पर हो। ये वो टेबल है जो आपको आगे आने वाले काफ़ी दिनों तक आपका साथ देगा और फिजिक्स और मैथ्स के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हद तक केमिस्ट्री और बायो में भी अक्सर औकात इसके यूजेज़ होते हैं। जैसे अक्सर आप सुन रहे होते हैं कि मेगावाट इतने प्राइम मिनिस्टर ने एक प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पावर पॉइंट का इफ्तिताह किया, इनाग्रेशन किया, वो इतने मेगावाट बिजली बनाता है। आप अक्सर औकात बातें करते हैं कि ये मैं मेमोरी कार्ड लेकर आया हूँ, ये इतने GB इसके अंदर डाटा स्टोरेज है, ये GB कहते हैं। इसी तरह से कि किलोवाट वगैरह, किलोग्राम हम अक्सर औकात सुन रहे होते हैं, मिली सुन रहे होते हैं, नैनो सुन रहे होते हैं, ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। इनके वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी माने तो ये सारा टेबल एकदम याद नहीं होगा आपको। ये टेबल के अंदर आप गौर करें, इसके तीन पोर्शंस बनाए हुए हैं। एक सारा ये ब्लैक वाला पोर्शन है, एक रेड वाला है और एक ये पर्पल वाला है। सबसे पहले तो ये ब्लैक वाला याद कर लें, ये सारे पावर्स पॉजिटिव हैं और एक रिदम के अंदर हैं, ये नहीं है कि आगे पीछे कर लें। तो ये कितने बनते हैं? एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा और किलो, ये 6 बनते हैं टोटल। सबसे पहले तो जो इनिशियल स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए नए 9th में आए हैं, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा और किलो ये तरतीब वाइज याद कर लें। और इनके कोई सिम्बल्स मुश्किल भी नहीं है क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, इसलिए इनके सिम्बल्स भी मैक्सिमम जो है इनके कैपिटल लेटर्स में है। अगर आपको ये 6 याद हो जाते हैं, फिर आगे देखें ज़रा, एक्सा की पावर 18 है, इससे 3 कम कर देंगे 15 आ जाएगा, 3 कम कर देंगे 12 आ जाएगा और 3 ही कम करते जाएंगे, अल्टीमेटली किलो तक ही हमारे इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये रिदम के साथ आपने याद करना है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी आपको पता होने चाहिए। जब ज़ाहरी बात है आप याद करेंगे, बार बार इस पर अपना दिमाग खपाएंगे तो फिर आपको फौरन पता चल जाएगा कि मेगा का मतलब होता है 10^6, गीगा का मतलब होता है 10^9 और पीटा का मतलब होता है 10^15 और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट रेड वाला टेबल जो हेक्टो, डेका, डेसी और सेंटी, ये जो ये 4 वैल्यूज़ हैं, इसके बाद ये याद कर लें आप। ओके, इसके बाद फिर फाइनल आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़, इन्हें भी आपने याद करना है इस तरह से। ये कैसे भी करना है ये बाप पर है, लेकिन ये आपको फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं कि जब आप ये याद कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट आप अगला काम शुरू हो जाता है। आइए ज़रा देखते हैं कैसे होगा ये सारा। एक सारे क्वेश्चन करते हुए आपको साइंटिफिक नोटेशन का भी बिल्कुल पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे साइंटिफिक नोटेशंस बनाते हैं। उसके बाद हम प्रीफिक्सेस करेंगे। हम 1.1 क्वेश्चन है, इसके अंदर इसके 4 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। इसको हमने इसके अंदर जो है ना अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस हमने लगानी है। तो सबसे पहला 5000 ग्राम है,
इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटे से रूल है, दो बातें। सबसे पहले ये कि हमने जो भी कोई क्वेश्चन गिवन है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ज़रा सबसे पहला काम ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म जब बन जाएगी तो आपके पास 10 की कुछ पावर आ जाएगी। दूसरे नंबर पर देखना है कि वो 10 की पावर कौन से प्रीफिक्स के साथ बिल्कुल अटैच हो रही है, मिल रही है, फिर वही उसके नतीजे में वही प्रीफिक्स आपने लगा देना है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ए वाला, ये क्या लिखा हुआ है, 5000 ग्राम। 5000 ग्राम को हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका हम जानते हैं। सबसे पहले जो आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है, 5 है, ठीक है, 5 के आगे इमेजिनरी तौर पर पॉइंट लगाएंगे, ओके। अब डेसिमल डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये डेसिमल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट कर रहे हैं। राइट से लेफ्ट में जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और कितने का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, 1, 2 और 3। इट मीन्स डैट पावर क्या होगी, +3, ओके। यानी 5000 ग्राम आ जाएगा, 5×10⁻³ + 3 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा, ओके। अब ज़रा देखें, अगर आपको वो बातें याद हैं जो हमने की हैं, अगर वो टेबल याद है, तो इट मीन्स डैट अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 10⁻³ किसका, कौन से किस प्रीफिक्स की वैल्यू 10⁻³ + 3 होती है, देखें ये लिखा हुआ है, किलो की वैल्यू, किलो उसका सिंबल क्या होता है, इसका मल्टीप्लायर होता है 10⁻³। इट मीन्स डैट कि 1 किलो 10⁻³ होता है। सिंपल हमने ये करना है कि जहाँ 10⁻³ + 3 होगा वहाँ किलो लगा देना है, ओके। आंसर क्या आ जाएगा, 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5×10⁻³ + 3 ग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम्स। अब आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है 20 लाख वाट्स लिखा हुआ, ठीक है। इसकी भी साइंटिफिक नोटेशन सबसे पहले बना लेनी है हमने। साइंटिफिक नोटेशन के लिए सिंपल वही तरीका है जो हमारे पास, क्या करेंगे हमने सबसे पहले करना ये है कि इसका नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है, पहला वाला 2 है, उसके आगे इमेजिनरी तौर पर पॉइंट लगाना है। उसके बाद डेसिमल डिस्प्लेसमेंट करनी है, इसमें देखें राइट हैंड साइड ये, लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट से लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, और कितने नंबर्स की डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, 6 नंबर्स की डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। राइट से लेफ्ट है ये याद रखें, क्योंकि राइट से लेफ्ट है इसलिए जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। कितने नंबर्स की डिस्प्लेसमेंट है आए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स की डिस्प्लेसमेंट है। इट मीन्स डैट पावर क्या होगी, +6 होगी, ठीक है, ओके। ये आ जाएगा हमारे पास 2×10⁻⁶ आ जाएगा। होप सो ये तो पता चल गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। अच्छा, 10⁻⁶ का मतलब क्या है, +6 का मतलब होता है मेगावाट, मेगा होता है। जैसे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 मेगावाट्स। आगे चलते हैं, 52×10⁻¹⁰ किलोग्राम, इसके हमने एक सूटेबल प्रीफिक्स इसके साथ जोड़ना है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, दो प्रीफिक्स इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मिली और किलो इकट्ठा लिखा हो, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से कभी ऐसे नहीं हो सकता कि नैनो और माइक्रो इकट्ठा लिखा हो, गलत हो जाएगा। ऐसे भी नहीं हो सकता कि लिखा हो कि मेगा गीगावाट, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेगा और गीगा को इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। ये एक रूल है। इसलिए अब ज़रा गौर करें, 52×10⁻¹⁰ को जब हम कंक्लूड करेंगे तो यकीनन एक प्रीफिक्स आएगा, लेकिन उस प्रीफिक्स के साथ किलो भी आग लगा होगा तो वो हमारी एक अच्छी मतलब कि ठीक वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए पहले नंबर पर हमने इस किलो को भी ख़त्म करना है। किलो को ख़त्म करने के नतीजे में हमारे पास कम से कम एक प्रीफिक्स ख़त्म हो जाएगा, और एक जो कंक्लूजन के अंदर आखिर में हमारे पास सिंगल प्रीफिक्स आएगा। तो आए ज़रा देखते हैं, 1 किलो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ + 3 के, ठीक है। आगे चलते हैं, 52×10⁻¹⁰ लिखा हुआ है, 10⁻³ + 3 लिखा हुआ है, किलो की वैल्यू +3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब 2 मिनट इसको वो थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 3 किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के, ये आ जाएगा 52×10⁻⁻⁷ ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 52×10⁻⁻⁷ ग्राम्स। अच्छा, 52 की अगर हम साइंटिफिक नोटेशन बनाएं तो क्या बनेगी, 5। अगेन देखें, सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या, 5 है, 5 के आगे लगा हुआ है पॉइंट, हमने इमेजिनरी तौर पे लगाना है, ताकि हम नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे पॉइंट लगाना होता है ना, वो याद रखना है आपने। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है।
अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से करा रहे हैं, राइट से लेफ्ट कितने करा रहे हैं, एक नंबर की डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। इट मीन्स डेट पावर क्या होगी, प्लस वन होगी, राइट से लेफ्ट है ना इसलिए प्लस पावर होगी, और एक नंबर की डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस वन हो जाएगी, तो पावर होगी प्लस वन। तो 52 को सिर्फ और सिर्फ हम लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10 टू रेस पावर प्लस वन। अच्छा मजीद इसे करेंगे, अब देखें ज़रा, ये लिखा हुआ है 52 इंटू 10 टू रेस माइनस 7, 52 की वैल्यूज पुट करेंगे, 52 की जगह आ जाएगा 5.2 इंटू 10 टू रेस पावर प्लस वन इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 7। प्लस वन इंटू प्लस वन माइनस 7 कितना आ जाएगा, माइनस 6। इट मीन्स डेट 5.2 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 6, ये अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ज़रा देखें माइनस 6 किस प्रीफिक्स की वैल्यू होती है, किस प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर है, तो माइक्रो यानी म्यू का माइक्रो का मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर माइनस 6। इट मीन्स डेट 1 माइक्रो होता है 10 टू द पावर माइनस 6 के। तो हम लिखेंगे सिंपल 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 5.2 माइक्रोग्राम। अब आखिरी वाला देखते हैं 2.225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स। अगेन देखें यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले साइंटिफिक नोटेशन जो एग्जैक्ट है, 225 एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि 225 1 और 10 के दरमियान में नहीं आता, और दूसरे नंबर पर बात जो सादा सी बात है कि 225 इसलिए 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स ये इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि जो 225 है इसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आ रहा, तो वो पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 के आगे इमेजिनरी तौर पर पॉइंट लगाएंगे, लगा दिया ओके। अब हमारा काम है डेसिमल डिस्प्लेसमेंट, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, कितने नंबर्स का डिस्प्लेस किया, 1 और 2, राइट से लेफ्ट पॉजिटिव, और नंबर्स हैं कितने हैं, जितने जिसका डिस्प्लेसमेंट किया वो 2 नंबर्स हैं, तो पावर क्या होगी, प्लस 2 आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू द पावर 2 आ जाएगा ओके। ये बात हमारे पास आ गई है 2.25, ये गलती हो गई, यहाँ पर 255 नहीं है 225 है, 225 किसके इक्वल आ जाएगा, 2.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2 ओके। अब आगे चलते हैं 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स आ गया। अब 225 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2 आ जाएगा। अब प्लस 2 माइनस 8 कितना होता है, माइनस 6 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओके, गॉट इट। अच्छा अब हमने देखना माइनस 6 किसका मल्टीप्लायर होता है, माइक्रो का मल्टीप्लायर होता है ना, तो 1 माइक्रो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 के। 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स है, तो हम सिंपल इसे लिख देंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। अब आगे चलते हैं 1.2 क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। तीन प्रीफिक्सेस आप जानते हैं, माइक्रो नैनो और पिको, वो कौन कौन सी होती हैं, आइए ज़रा देखते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, माइक्रो सिंबल ये होता है और इसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर माइनस 6 होता है, नैनो इसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर माइनस 7 है, पिको इसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर माइनस 12 है, और इनके सिंबल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तीनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ये हमने ये क्वेश्चन का ये बेसिकली क्वेश्चन है। अच्छा ये इनको मैंने तीन अलहदा से इक्वेशंस के फॉर्म में भी लिख लिया। अब ज़रा देखें नैनो और पिको का क्या रिलेशन होगा, देखें 1 पिको किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 के, माइनस 12 को माइनस 3 और माइनस 9 भी लिख सकते हैं, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 भी होगा ना, इसलिए 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आ जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 9 की जगह हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 नैनो लगा दें, इट मीन्स डैट 1 पिको इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 3 नैनो, ये रिलेशन है नैनो और पिको के दरमियान। अब आगे चलते हैं पिको और माइक्रो का क्या रिलेशन है, 1 पिको किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 पे, ठीक है ओके। माइनस 12 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 6 इंटू माइनस 6 माइनस 6, और इसको फिर पावर्स को सेग्रीगेट करेंगे जो बेसिस हैं, 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा। अब 10 टू द पावर माइनस 6 की वैल्यू क्या होती है, माइक्रो, तो 1 पिको अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो के, ये पिको और माइक्रो के दरमियान रिलेशन आ गया। अब आखिरी रिलेशन है माइक्रो और नैनो के दरमियान रिलेशन, 1 नैनो किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर माइनस 9 के, ठीक है। माइनस 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 और माइनस 6 को इसको सॉल्व करें तो माइनस 9 ही आता है ना, इसको हमने रिवर्स किया तो ये आ गया हमारे पास। अब इन ये जो पावर्स है इनको सेग्रीगेट करेंगे, बेसिस अलहदा हो जाएंगी, 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 टू द पावर माइनस 6 अलहदा से आ जाएगा सेपरेट करने के नतीजे में।
टेन टू रेजर माइनस सिक्स किसके इक्वल होता है? माइक्रो के इक्वल होता है। हम ये कहेंगे वन नैनो इज इक्वल टू टेन टू रेजर माइनस थ्री माइक्रो। तो ये तीन रिलेशंस हमारे पास आ गए हैं जो कि उन्होंने पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूर हेयर्स 1.3 है, यूर हेयर्स ग्रो एज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। आपके जो बाल हैं वो एक दिन में 1 मिलीमीटर उनका ग्रोथ होता है, ये रेट है उनका ग्रोथ रेट है। इसी ग्रोथ रेट को नैनोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। आइए ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे इसे। 1 मिलीमीटर पर डे ये बताया हुआ है रेट, ग्रोथ रेट। 1 मिलीमीटर पर डे को ऐसे भी लिख देते हैं ना, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई डे। अच्छा, 1 मिली का मतलब क्या होता है? 10^-3। इसलिए जहाँ 1 मिलीमीटर लिखा है तो हम लिखेंगे 10^-3 मीटर्स। और इस तरह से हम पहले ही जानते हैं कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, 86400 सेकेंड्स। ओके, अब 10^-3 ये तो ऑलरेडी एक फॉर्म है ये। अब बाकी रही बात 86400, मैं चाहता हूँ कि पहले इसे हम उसमें कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक नोटेशन में। ये आपके सामने एक रेड ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये सारा रेड ब्लॉक यूँ समझ लें कि रफ वर्क है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि 86400 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, या कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। देखें, ये 86400 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना ये हमारा टारगेट है। ओके, सबसे पहले जो नॉन जीरो के आगे हम पॉइंट लगाएंगे डिजिट इमेजिनरी तौर पर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, राइट से लेफ्ट होगी डिस्प्लेसमेंट। कितने नंबर्स की होगी? 4 नंबर्स की होगी, गौर देख लें। अब चूंकि राइट से लेफ्ट है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो पावर क्या हो जाएगी? +4 आ जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली 86400 को हम लिख देंगे 8.64 × 10^4 सेकेंड्स। यही वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं हम, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये 10^4 नज़र आ रहा है आपको, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 10^-7, और ये सेकंड भी ऊपर जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ओके, इसको मजीद मैं ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा सा, ये जो 10^-7 मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू थोड़ा सा अलहदा करके 1/8.64 आ जाएगा। ठीक है, 1/8.64 इसको कैसे करेंगे आगे? अब ये कैलकुलेट कर लें आप सिंपल, 1/1/8.64 क्या आंसर आएगा? 0.1157 × 10^-7 तो पहले ही पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा, अब रही बात 0.1157, इसको मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है ताकि हमारे आंसर में एक 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 बिल्कुल एक्यूरेट और एक सिंपल प्रीफिक्स आ जाए हमारे पास, एक सिंगल प्रीफिक्स आ जाए। तो 0.1157 है, या ये लेफ्ट हैंड से ये क्या अपने मतलब के लिए, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं इसे हम 11.57 कर रहे हैं ताकि करीब तरीन हम जान। यहाँ कोई बच्चा पूछ सकता है कि यार उस वक्त से तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त से हम कह रहे हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इमेजिनरी तौर पर पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पे तो दो को छोड़कर लगा रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि हमने यहाँ नैनो बनाना है। ठीक है, नैनो बनाने के लिए ज़रूरी है कि पावर क्या हो? -2, -2, -7, -9 आ जाएगी ना पावर। -2 एक ही सूरत में हो सकती है कि जहाँ जब हम डिस्प्लेसमेंट 2 का कराएं। ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे अभी नहीं लगा रहे। ठीक है, ये भी याद रखें। अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। ठीक है, कितने की करा रहे हैं? 2 नंबर्स की डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, हो गई है। तो पावर क्या होगी फिर? -2। अल्टीमेटली 0.1157 किसके इक्वल आ जाएगा? 11.57 × 10^-2 आ जाएगा। यही वैल्यूज पुट करेंगे आगे। अब देखें 0.1157 के को हम लिख रहे हैं 11.57 × 10^-2 × 10^-7। अब देखें बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। -2 − 7 क्या होता है? -9। 11.57 × 10^-9 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, अब 10^-9 किसके इक्वल होता है? नैनो के इक्वल होता है, जानते हैं हम लोग। ओके, 11.57 जस्ट हम 10^-9 की वैल्यू पुट करेंगे तो नैनो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है? 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 मिलीमीटर पर डे को हम 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका न्यूमेरिकल था प्रीफिक्सेस के रिलेटेड सारे। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी सारी।
दुआओं में याद रखें आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद।